आज का रमज़ान का महीना जो चल रहा है उसका अलविदा जुमा है। मैं कहूँगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का ये जो महीना है ये सरदार महीना होता है जो रमज़ान शरीफ का होता है। और इस महीने में जितने यहाँ पे 4 जुमे हैं तो 4 जुमों का ये अलविदा जुमा जो है उनका सरदार जुमा होता है। और यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आज के दिन अलविदा जुमा पे लोग आए और स्टेज से यही दुआ हुई कि हमारे मुल्क में अमन रहे, हमारी स्टेट में अमन रहे और आपस में भाईचारा रहे और जितने बीमार लोग हैं उनको अल्लाह पाक मेरा सेहत याद रखे। और ख़ास करके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब और SSP साहब का बड़ा रोल रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रगुजार हैं। और रमज़ान शरीफ के महीने में बिजली और पानी की बड़ी कराई रहती थी और पूरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा तालमेल रखा, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और आज के दिन के मौके पे हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि यह दिन हर इंसान को बार बार अल्लाह नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक विदा के मुबारक मौके के ऊपर आज ईदगाह राजौरी में बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ मस्जिद जो है इसमें नमाज अदा की गई और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए, उन्हें दुआएं मांगी। और आज के इस मौके के ऊपर यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में, हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी प्रेम कायम दायम रखे। और जहाँ जहाँ जो कोई बीमार हाल है अल्लाह उनकी बीमारियाँ दूर करे, जो परेशान लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो बेरोज़गार लोग हैं अल्लाह उन्हें रोज़गार अता फरमाए। आज के इस मौके के ऊपर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको एक और नेक बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है और आज आखिरी जुमा जो है जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई है, इस मौके पे बरादरान इस्लाम को क्या कहा? सर, मैं सबको आज के सब देशवासियों को आज के दिन की बधाई देना चाहूँगा। और जो पवित्र महीना रमज़ान का है इसने हमें दो मेन चीज़ें सिखाई हैं, एक है पेशेंस सब्र और दूसरा है काइंडनेस, कि आपने कैसे नरमी से रहना है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो आपका आप किसी की जानी माली किसी किस्म की मदद जो करेंगे। तो ये इसके हमारे अगले जो साल पूरे चलाने को लिए ये जो महीना है ये हमें काफ़ी चीज़ें सिखा जाता है। आज का रमज़ान का महीना जो चल रहा है उसका अलविदा जुमा है। मैं कहूँगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीनों का ये जो महीना है ये सरदार महीना होता है जो रमज़ान शरीफ का होता है। और इस महीने में जितने यहाँ पे 4 जुमे हैं तो 4 जुमों का ये अलविदा जुमा जो है उनका सरदार जुमा होता है। और यहाँ पे आपने देखा कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे आज के दिन अलविदा जुमा पे लोग आए और स्टेज से यही दुआ हुई कि हमारे मुल्क में अमन रहे, हमारी स्टेट में अमर रहे और आपस में भाईचारा रहे और जितने बीमार लोग हैं उनको अल्लाह पाक मेरा सेहत याद रखे। और ख़ास करके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब और SSP साहब का बड़ा रोल रहा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम शुक्रगुजार हैं। और रमज़ान शरीफ के महीने में बिजली और पानी की बड़ी कराई रहती थी और पूरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा तालमेल रखा, हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं। और आज के दिन के मौके पे हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि यह दिन हर इंसान को बार बार अल्लाह नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह जुमातुल मुबारक विदा के मुबारक मौके के ऊपर आज ईदगाह राजौरी में बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ मस्जिद जो है इसमें नमाज अदा की गई। और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ शरीक हुए, उन्हें दुआएं मांगी। और आज के इस मौके के ऊपर यही हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी रियासत में, हमारे मुल्क में, हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, आपसी प्रेम कायम दायम रखे। और जहाँ जहाँ जो कोई बीमार हाल है अल्लाह उनकी बीमारियाँ दूर करे, जो परेशान लोग हैं अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे, जो बेरोज़गार लोग हैं अल्लाह उन्हें रोज़गार अता फरमाए। आज के इस मौके के ऊपर हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको एक और नेक बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तिताम पज़ीर होने जा रहा है और आज आखिरी जुमा जो है जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई है, इस मौके पे बरादरान इस्लाम को क्या कहा? सर, मैं सबको आज के सब देशवासियों को आज के दिन की बधाई देना चाहूँगा। और जो पवित्र महीना रमज़ान का है इसने हमें दो मेन चीज़ें सिखाई हैं, एक है पेशेंस सब्र और दूसरा है काइंडनेस, कि आपने कैसे नरमी से रहना है, चाहे वो आपकी लैंग्वेज है, चाहे वो आपका आप किसी की जानी माली किसी किस्म की मदद जो करेंगे। तो ये इसके हमारे अगले जो साल पूरे चलाने को लिए ये जो महीना है ये हमें काफ़ी चीज़ें सिखा जाता है।